हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? ब्लॉगर पे एड्स कैसे डालते हैं, इस बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं करा तो प्लीज आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना। तो उसी सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉगर के पोस्ट या ब्लॉग को गूगल पे रैंक कैसे कराते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन और टैग्स के बारे में, और उसे जनरेट कैसे करते हैं और उन्हें अपने ब्लॉग के कोड में पेस्ट कैसे करना है, क्योंकि उसी की वजह से आपके ब्लॉग को या ब्लॉग के पोस्ट को बूस्ट मिलेगी गूगल सर्च रिजल्ट्स में आने के लिए। तो गाइस, बिना कोई वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड लेफ्ट साइड पे आप लोगों को यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड फिर बेसिक सेटिंग में आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन को एडिट करना है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे लिखना है जैसे आप YouTube पे वीडियो डालते वक्त कीवर्ड्स लिखते हो, कॉमा कॉमा दे के सेपरेट करके डिस्क्रिप्शंस लिखना है जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हो सके। एंड फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है सर्च प्रेफरेंसेस पे एंड आप ऊपर देख सकते हो यहाँ मेटा टैग्स का ऑप्शन है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वैसे ही कीवर्ड्स लिखने हैं, कुछ भी रिलेवेंट से, और कॉमा कॉमा देके सेपरेट करना है एंड मेक श्योर कि 150 वर्ड्स लिमिट को एक्सीड ना करें। एंड ऐसा कर लेने के बाद आप लोगों को एक दूसरा टैब खोलना है एंड गूगल पे सर्च करना है मेटा टैग जनरेटर टूल फॉर ब्लॉगर। और जो पहला रिजल्ट आएगा दैट इज myblogertrick.com का, उस लिंक को खोल लेना है। एंड इस वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बेसिक सेटिंग में, इसे कॉपी कर लेना है। एंड फिर इसे यहाँ पेस्ट कर देना है और कीवर्ड्स में मेटा टैग्स डिस्क्रिप्शन में जो आपने लिखा है उसे कॉपी कर लेना है। एंड फिर इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। ऑथर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, एंड इसे आप ऑल पे सेट कर दो। इसके बाद आपने क्रिएट मेटा टैग्स पे क्लिक करना है एंड फिर ओके पे क्लिक करना है। और फिर आप देख सकते हो यहाँ HTML कोड जनरेट होकर आप लोगों को मिल जाएगा एंड इसे कॉपी कर लेना है। एंड मेक श्योर कि हेड टैग के नीचे जो एक ब्लैंक लाइन दी हुई है उसके बाद वाले लिंक से ही आप कॉपी करें। इसे कॉपी कर लेने के बाद आपने जाना है अपने डैशबोर्ड पे थीम पे एंड फिर एडिट HTML पे क्लिक करना है। एडिट HTML पे क्लिक करते ही आप लोगों को पूरी HTML की जो सोर्स कोड है वो मिल जाएगी एंड आप लोगों को हेड ढूंढना है। तो यहाँ हेड जो है यहाँ पे आप लोगों को एक बार एंटर करना है एंड एंटर करके कंट्रोल V, और आप लोगों का कोड कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है सेव थीम पे एंड इस तरह से आप लोगों का ब्लॉग जो है बूस्ट हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था तरीका कि कैसे आप अपने ब्लॉग या ब्लॉग के पोस्ट को गूगल सर्च रिजल्ट में लेके आ सकते हो। तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।